हेलो स्टूडेंट, कैसे रहे? कंपटीशन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो अब मात्र 15 से 20 दिनों में होने वाला है, तो आशा करती हूँ कि आप लोग का जो तैयारी है वो आखिरी पायदान पर पहुँच चुका होगा और लगे भी रहिए। और हम जो इस सब सेवा प्रदान कर रहे हैं उसको ग्रहण भी कीजिए, इसको वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो डालें यूट्यूब पे तो सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुंचे। तो चलिए आज की सीरीज को देखते हैं। सवाल को सवाल है, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजन के 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो हमसे पूछ रहा है 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो प्रतिरोध हमसे 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध, तो हम बना लेंगे पहले जो कह रहा है। 3 ओम तथा 6 ओम इस समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ये 3 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। अब इस संयोजन को 5 वोल्ट की बैटरी के साथ तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है। 5 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया, ये हमारा फिगर बन के तैयार होगा। अब हम इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो ये संयोजन है समानांतर क्रम में, तो इसको पहले समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। इसका बनवटा R बराबर होता है बनवटा 3 प्लस समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए बनवटा R1 प्लस बनवटा R2 प्लस बनवटा R3 होता है, और श्रेणी क्रम में ऐसे ही जुड़ता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस समानांतर क्रम में संयोजन है तो इसको जोड़ लेंगे। बनवटा R बराबर 6 2 प्लस 1, तो R बराबर आ जाएगा 6/3 बराबर 2/2 आएगा 2 ओम। अब इसका अलग चित्र बना लेंगे, बन जाएगा हमारा इस प्रकार। 5 वोल्ट की बैटरी है, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये 5 वोल्ट की बैटरी। इधर बड़ा वाला की तरफ प्लस वाला होता है और छोटा वाला की तरफ माइनस वाला होता है। अब हम इसका पर इसको निकाल लेंगे, इसको जोड़ लेंगे ताकि हमारा आ जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। इसको जोड़ने के लिए R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट बराबर, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 6 5। अब आ जाएगा हमारा इस प्रकार बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे 5 ओम प्रतिरोध है। अब हम इसमें निकालने हमारा वोल्ट है, प्रतिरोध है, हम इसमें धारा निकाल लेंगे। तो धारा का फॉर्मूला होता है V बराबर IR, वोल्ट हमारा दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है और I निकाल लेंगे। तब वोल्ट हमारा 5, I हमें निकालना है, R हमारा 5 दिया हुआ है, कट जाएगा, I बराबर आ जाएगा 1। अब हमसे बोल रहा है 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, इसके बीच विभवांतर हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है और समानांतर क्रम में धारा समान होता है।
हमसे इसके इसके बीच में 6 ओम के बीच में प्रतिरोध विभवांतर पूछ रहा है, यानी कि तब इसमें भी धार इसमें भी विभवांतर समान जाएगा, इसमें भी विभवांतर समान जाएगा। तब इसका समतुल्य हमें निकाल के आ गया है 2 ओम। तब इस हम 6 ओम नहीं बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे 2 ओम एको ओम के नियम के अनुसार। अनुसार फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। V हमें निकालना है, I हमारा आ गया 1 एम्पियर, I हो गया 1 इंटू R, R है हमारा प्रतिरोध हमारा 2, V इज इक्वल टू 2 वोल्ट आंसर हो गया। अतः हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है हमारा, किसी द्रव्यमान M1 पर 5 न्यूटन का बल लगने पर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि इसी परिणाम का बल किसी द्रव्यमान M2 में 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों द्रव्यमानों को परस्पर बांध कर एक कर दिया जाए तो इस बल द्वारा संयुक्त द्रव्यमान के में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। हमारा बल दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। हमें मास निकालने के लिए मास निकाल के फिर उसको जोड़ के फिर एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम मास निकाल लेंगे। पहले बल को हम मान लेते हैं F1 तो बराबर ही रहेगा 5 न्यूटन, क्योंकि दोनों बल समान है। और एक्सेलरेशन को ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर दिया हुआ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इससे मास निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले मास को हम M1 माने क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में, M5 मास हमारा निकालना है M1, ए है 8, तो M1 बराबर 5/8 आ जाएगा, 5/8 kg। अब F2 का मान निकालेंगे तब हमारा मास निकाल जाएगा। F2 भी 5 न्यूटन हुआ क्योंकि दोनों बल समान है, दोनों का बल समान है। एक्सेलरेशन दूसरा का दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फॉर्मूला बैठा लेंगे, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारा दिया हुआ है 5 न्यूटन, 5 M2 हमें निकालना है, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। M2 बराबर हो जाएगा 5/24 kg। अब हमसे बोल रहा है कि यदि दोनों द्रव्यमानों को परस्पर बांध कर एक कर दिया जाए, यानी कि दोनों द्रव्यमान को अगर जोड़ दिया जाए, तब इस बल द्वारा संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो पहला हमारा आ गया 5/18 kg और दूसरा आ गया 5/24 kg। तब M1 प्लस M2, M1 है 5/8 प्लस 5/24 बराबर LCM ले लेंगे 24 आ जाएगा, 8 + 24 यही 1, तो 4/24 यानी कि 15 आ जाएगा। सॉरी गलती हो गया, 15 + 5 20 हो जाएगा, 20/24, तो 5 कट जाएगा, 5/6, 4 से 5/6। ये हमारा संयुक्त मास आ गया। बोल रहा था दोनों द्रव्यमान को परस्पर बांध कर एक कर दिया जाए, तो दोनों का द्रव्यमान जोड़ने पर हमारा आ गया 5/6। अब हम इसके द्वारा त्वरण निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, तो
ए बराबर एम ए निकाल लेंगे, एम ए फोर्स हमारा 5 न्यूटन, मास हमारा आ गया 5/6। एक्सेलरेशन हमें निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ए बराबर आ जाएगा 5/5/6, कट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 6 m/s² अतः हमारा ये आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम और भी इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंचा सकें। स्टूडेंट ये सब जो क्वेश्चन है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछता है, ये सब टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन पूछता है। ये सब क्वेश्चन कोई इंटर लेवल के क्वेश्चन नहीं रहता, ये सब क्वेश्चन मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत रहिए और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए। स्टूडेंट हमारा जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, इसलिए ये सब जो क्वेश्चन है इसको छोड़िए नहीं ताकि आपका भी नंबर उठ सके हर एक टॉपिक पे, चाहे तो वो न्यूमेरिकल हो, जीके जीएस हो, या तो फिर मैथ हो, या तो फिर रीजनिंग हो। तो चलिए देखते हैं आज के सवाल को। सवाल है एक परमाणु C12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से 15 गुना भारी है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान में होगा। क्वेश्चन है C12 का 12वां भाग यानी कि 1/12 से 15 गुना अधिक है, यानी कि 15 गुना अधिक हो गया, 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 15, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कोई टफ पूछता नहीं है, यही सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को छोड़ के भागिए नहीं और वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है हमारा 0.05 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 m/s के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है, वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन देखे हर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम किसी वस्तु को उछालते हैं, ये हमारा धरती है, यहाँ से कोई वस्तु को उछाले तो यहाँ पे जो जाके कोई ऐसा बिंदु आएगा वही उच्चतम बिंदु होगा, वहाँ पे वस्तु जाके स्थिर हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि तो ये जो उच्चतम बिंदु होगा इसी वेग के उच्चतम बिंदु ही हमारा कह सकते हैं कि उच्चतम बिंदु यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाके वस्तु तो रुक जाएगा यानी कि गतिज ऊर्जा यहाँ पे रुक जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वस्तु रुक जाएगा। तो हमारा वेट दिया हुआ है 0.05 kg, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा तो हम कोई एक भी निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी है हमारा 20 m/s। अब हम गतिज ऊर्जा ही निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा भी, क्योंकि वहाँ पे वस्तु स्थिर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है, हाफ मास हमारा 0.05, वेलोसिटी हमारा 20 × 20 कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 10 J, यही हो जाएगा। तब इसके अनुसार से जो स्थितिज ऊर्जा होगा वही गतिज ऊर्जा हमारा हो जाएगा।
तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है हमारा, 25 न्यूटन सेकेंड वेग के हथौड़े को, संवेग के हथौड़े को 0.05 सेकेंड स्थिर करने के लिए आवश्यक औसत बल होगा। तो हमसे पूछ रहा है औसत बल, और औसत बल का फॉर्मूला होता है संवेग बटा समय। तो हमारा संवेग भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तब हम निकाल लेंगे औसत बल बराबर संवेग बटा समय होता है। संवेग हमारा दिया हुआ है 25, अब समय दिया हुआ है 0.05, हट जाएगा 5 बराबर आ जाएगा हमारा 500 न्यूटन, अतः ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम दुगना एनर्जी से आप सबको ये सब क्वेश्चन आप सबके लिए बना सके, ये सब वीडियो आप और आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल के, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।